क्या क्या मुद्दा है इस बार आप लोगों के पास वोट देने के लिए? अधिकार है हमारा, देना चाहिए। मुद्दा है हम लोगों की महंगाई जो है कम करें, बेरोजगारी महंगाई भी मुद्दा है, विकास भी हुआ है लेकिन बेरोजगारी और महंगाई शिक्षा इस पर काम नहीं हो रहा है। जिस तरह मिलना चाहिए काम मिलना चाहिए उस तरह काम नहीं मिलता है, तो बहुत आदमी बाहर दिल्ली बम्बई सब भाग जाते हैं। हाँ, यहाँ पर काम उस तरह मिलना चाहिए। तो देवघर के संत मैरी स्कूल की तस्वीर दिखा रहा है जहाँ की कई सारे महिलाएं पुरुष युवा अपने अपने मतदान के लिए जो है लाइन में लगे हुए हैं। सुबह से ही आप देखेंगे कितने लगभग 11 बजे तक जो है 30% का मतदान देवघर गोड्डा लोकसभा और राजमहल लोकसभा और दुमका लोकसभा जो तीन लोकसभा में चुनाव होने हैं वहां तीनों मतदान केंद्र पर जो है काफ़ी भीड़ देखा जा रहा है। आप देखेंगे महिलाएं जो है लाइन में लगकर जो है अपने अपनी बारियों का इंतजार कर रही है। एक बार अपना अपना सभी मतदान वो जो लेकर आए हैं पर्चे वो दिखला दीजिएगा सभी। कहाँ कहाँ से आप लोग आए हैं, क्या नाम है? हिरना से आया है। आशा से हम नाम सब लेकर आए। कितने देर से है लाइन में? 2 घंटा हो गया। 2 घंटे से है। क्या पहले मतदान फिर जलपान? जी पहले मतदान। मौसम ठीक है मतदान के लिए? आज बहुत गर्मी है, बिल्कुल ठीक नहीं है मौसम। तो पानी होने की व्यवस्था बिल्कुल पिंक बूथ है यहाँ पर महिलाओं की? पता नहीं किधर है पानी, आगे पानी उन्हें लेके आए नहीं। क्या क्या मुद्दा है इस बार आप लोगों के पास वोट देने के लिए? अधिकार है हमारा, देना चाहिए। नहीं, सेकंड बार। क्या कुछ मुद्दे आप लोगों ने सोचकर वोट देने के लिए आए हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? सबसे पहले तो सरकार बदलनी चाहिए, हमको नहीं चाहिए भाजपा सरकार। हाँ। एकदम नहीं। हाँ। और क्या बोलते हैं, रोजगार चाहिए, बेरोजगारी बहुत है। रोजगार मुद्दा है, बेरोजगारी और महंगाई, गरीबी है, महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार भी चाहिए। बड़ा मुद्दा है ना। कहाँ से आए हैं आप लोग? हिरना से। कहाँ से? कितना दूर है? दूर, देख लीजिए। देखिए कितनी सारी महिलाएं जो है लाइन में लगी हुई है, अपनी अपनी बारियों का इंतजार कर रही है। और क्या सुबह से पूरा भीड़ है? हाँ सर, भीड़ है, अच्छा से मतदान हो रहा है। 100% हो गया मतदान अभी तक? तो वो तो नहीं कह सकते, 100% लगभग बताया जा रहा है कि मतदान देवघर गोड्डा तीनों जगह जो है कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 11 बजे तक जो है 30% का मतदान सभी कुल मिलाकर जो है सभी लगभग 5 बूथ जो है यहां पर है 192, 93, 94, 95 और 96। आप देखिए कि उस तरफ जो है पुरुष भी लाइन में लगे हुए हैं और कुछ युवाओं भी जो है लाइन में लगे हुए हैं। गर्मी का काफी जो है सामना करना पड़ रहा है। क्या आप लोग पानी बोतल घर से लेके आए? जी हाँ, पानी लेके आए। जी जी घर से लेके आए। कितना देर लग रहा है? अरे भाई 2 घंटा हो गया है। 2 घंटा हो गया जी। क्या मुद्दा? बस मुद्दा है हम लोगों की महंगाई जो है कम करें, ठीक है? महंगाई बहुत जी, है। जी जी जी, गरीब आदमी को आदमी एकदम जीना मुश्किल हो गया है। देखिए कमाते हैं हम लोग 5,000 मिलता है, ठीक है, और महंगाई इतना हो गया है कि आदमी का जीना मुश्किल हो गया, बाल बच्चों को पालना मुश्किल हो गया, पढ़ाई लिखाई करना मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा। विकास जो हो रहा है, एयरपोर्ट बना, एम्स बना, वो हम लोग को जो जाएगा उसके लिए हम लोग तो यही कमाते खाते हैं। जाते हैं जी? नहीं, एम्स जाएंगे लेकिन अभी टाइम नहीं है। हवाई जहाज से नहीं जाने का मौका? जी नहीं, उतना टिकट होगा, पैसा होगा तब ना। चलिए तो उतना पैसा होगा तब ना हवाई जहाज से जाएंगे। कुछ और भी पुरुष है क्या? हवाई जहाज से आप लोग जाते हैं एम्स इलाज कराने? ना, नहीं जाते हैं। काहे? अभी उसका साधन नहीं है। नहीं है। विकास हुआ है आपके लोकसभा में? पूरा विकास है, बढ़िया हुआ है। विकास पे वोट देने आए हैं कि बेरोजगारी महंगाई? बेरोजगारी महंगाई भी मुद्दा है, विकास भी हुआ है लेकिन बेरोजगारी और महंगाई शिक्षा इस पर काम नहीं हो रहा है। क्या विकास तो हुआ है? विकास हुआ है, एलिमेंट्री विकास हुआ है एकदम। किस तरीके से जो है महिलाएं जो है लाइन में लगी हुई है, पानी पी पी कर जो है बारी का इंतजार कर रही हैं। क्या पानी उनी लेके आए हैं कि अपने खरीद रहे हैं पैसा से? मिल रहा है पानी उनी? नहीं, खरीदे खरीदे पानी, दास नहीं दे रहा है पानी उनी? नहीं, खरीदे पीने के लिए। क्या खरीदे? आपके क्षेत्र में पानी मिलता है पीने के लिए? नहीं, उधर कहाँ पानी आया, क्षेत्र में कल नहीं आया, नहीं आया, नल आया है। और क्या कुछ मुद्दा के लिए आया है यहाँ वोट देने के लिए? सड़क उड़क है, स्वास्थ्य व्यवस्था, स्कूल उस्कूल है घर के अगल बगल, कहाँ है, कहाँ से आए आप? हिरना से। हिरना से? कितना दूर? कितना किलोमीटर से आए? 3 किलोमीटर।
देखिए कितने सारे जो है लोग जो है वोट के लिए जो है अपने अपने बारियों का इंतजार कर रहे हैं। क्या पूरा एकदम गर्मी से भींग गए हैं पूरा लखपत? हाँ जरूर, महापर्व है, महापर्व में शरीक हो रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। विकास की परिवर्तन ये सब पूछने की बात नहीं। हाँ विकास विकास ही चाहिए, कोई भी बने विकास ही करे, यही हम लोग एक्सपेक्टेशन लेके वोट करते हैं। विकास, विकास के मुद्दे पे हम लोग वोट करेंगे और विकास ही हमारा महत्वपूर्ण स्थान विकास को देते हैं, शिक्षा रोजगार और महंगाई को रोकने के लिए। महंगाई? हाँ जी, महंगाई को रोकने के लिए विकास जरूरी है। जी जी, चलिए महंगाई को अगर रोकना है तो विकास चाहिए। और भी कई सारे क्या करते हैं आप लोग काम वाम? क्या काम करते हैं आप लोग? काम मजदूरी करते हैं। मिल जाता है मजदूरी? मिलता है लेकिन जितना होना चाहिए उससे अनुसार नहीं मिलता है। कहाँ से? क्या नाम? पंकज कुमार पंडित नाम है। पंकज कुमार नाम है। जितना महंगाई, जितना रोजगार होना चाहिए उतना नहीं मिल पाया, कुछ और भी लोग हैं क्या? कितना देर से लगे हैं लाइन में? जी लगभग एक घंटा से। जी क्या मुद्दा है? बेरोजगारी, महंगाई, विकास? जी तीनों चीज मुद्दा है। विकास हुआ? जी नहीं, नहीं हुआ है। जी देवघर में तो विकास हुआ है। जी विकास पे वोट करेंगे? जी बिल्कुल। बेरोजगारी पे करेंगे? नहीं विकास पे वोट करेंगे। जी विकास पर? बेरोजगारी पर भी तो हो सकता है मगर विकास के लिए ज्यादा आगे। परिवर्तन नहीं, परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन चाहिए? जी। नया उम्मीदवार? हाँ नया उम्मीदवार, वही जो है वही जो है वही जो है वही भी बोल रहा है विकास भी चाहिए परिवर्तन भी चाहिए, दोनों चाहिए हमको। ऐसे सब एक ही चीज ना हो पाएगा? सब आदमी चाह रहे लड्डू रहे, दोनों आदमी चाह रहे लड्डू रहे, हम तो चाह रहे दोनों लड्डू चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है, कहीं एक ही जगह योजना का लाभ लीजिए, सब जगह चाहते हैं। यहाँ विकास होना चाहिए, यहाँ विकास होना चाहिए और परिवर्तन नहीं होना चाहिए। विकास होना चाहिए, काम काम मतलब रोजगार सब बढ़ना चाहिए। महंगाई, हम तो चूड़ी लहठी बनाते हैं, नहीं काम नहीं होता ना। हाँ सिर्फ त्यौहार त्यौहार में सिर्फ काम होता है, 12 महीना में 6 महीना काम होता है, तो 6 महीना कहाँ जाएंगे, किससे मांगेंगे? कुछ तो 12 महीना हम लोग का काम चलेगा। हम लोग का बाबा धाम नगरी में हम लोग का लहठी चूड़ी ज़्यादा बनता है। हमारे वार्ड नंबर 9 में कम से कम 12-15 भट्टी है, काम बहुत, रोजगार बेरोजगार लड़के सब जो मतलब हाथ का जो सीखे हुए हैं वो सबको काम मतलब रेगुलर नहीं मिलता है। जिस तरह मिलना चाहिए काम, मिलना चाहिए उस तरह काम नहीं मिलता है, तो बहुत आदमी बाहर दिल्ली बम्बई सब भाग जाते हैं। हाँ यहाँ पर काम उस तरह मिलना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। इस तरह महंगा बहुत कुछ बनाया गया, उससे क्या रोजगार मिलता है? तो बहुत कुछ बना हुआ तो हम किसके लिए है? आम आदमी के लिए होना चाहिए ना, तो आम आदमी को ही नहीं मिल रहा तो फिर रोजगार किस काम के लिए? यहाँ को लोग को बहुत काम नहीं मिल रहा, बहुत बेरोजगार है, बहुत टोटो ई रिक्शा निकालने लगे, पढ़े लिखे हुए इंसान टोटो ई रिक्शा चला रहे। पढ़े लिखे हुए इंसान को जॉब मिलना चाहिए। अब जैसे हम बहुत कम पढ़े हुए तो हम हमारे हिसाब से ही काम मिलना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं है कि काम नहीं मिलना चाहिए। हम आप जैसे पढ़े लिखे हुए रहेंगे तो हम मुझे भी उस तरह काम चाहिए। हम ये नहीं बोलते कि मुझे कलम लिखने का ऑफिस दो, हम जी मिडिल क्लास के हैं तो मिडिल क्लास का काम मिलना चाहिए, मुझे यही सबसे। पढ़े लिखे हैं? हम एक शिक्षक है, करीब 30। हाँ ये जो बोल रहे हैं अपने हिसाब से सही बोल रहे हैं, हमारा लाइन दूसरा है क्योंकि हम शिक्षक है, करीब 20-25 साल से। शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो गई? हाँ शिक्षा का व्यवस्था तो बहुत ही बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या विकास के मुद्दा पे वोट देने आया है और बेरोजगारी या महंगाई? बेरोजगारी नहीं है, महंगाई के ऊपर जो है थोड़ा सा ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी नहीं? बेरोजगारी तो उतना नजर नहीं आता है लेकिन महंगाई जो है बहुत है। महंगाई की वजह तो बेरोजगारी होता ना। बेरोजगारी जब महंगाई नहीं होगा तब ना बेरोजगारी खत्म होगा, महंगाई तब ना बेरोजगारी हो रहा है, ऐसे में काम मिलेगा तब ना बेरोजगारी नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, तो देखिए कितने सारे लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं। क्या चाचा कहाँ से आए हैं? हिरना से। परिवर्तन की विकास? परिवर्तन से। यहाँ का है झारखंड का। परिवर्तन चाहते हैं, विकास चाहते हैं? बताए क्या चाहते हैं? हाँ देखिए कितने सारे लोग जो है यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, अपनी अपनी बारियों का इंतजार कर रहे हैं। और आप देखिए कि सुबह से ही जो है कई, क्या आप लोग फर्स्ट वोटर हैं? जी जी बिल्कुल, पहली बार वोट देने? जी जी जी। क्या मुद्दा लेके आए हैं वोट देने? कुछ मुद्दा नहीं लेके आए हैं। कुछ सोचे होंगे ना? कुछ नहीं, खाली वोट दे देना है हमको। कुछ नहीं चाहिए आपको? नहीं कुछ नहीं चाहिए।
क्या चाहिए हमको? कुछ जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं, सब है कम्प्लीट, कम्प्लीट एकदम, कोई चीज का जरूरत नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। चलिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ जो है इनको मिल चुका है ऊपर वाले से। बुजुर्ग महिलाओं के लिए देखिए किस तरीके से जो है व्हील चेयर का जो है रखा गया है, ताकि किसी को आने जाने में बुजुर्ग महिलाओं को, पुरुष को, जो वृद्ध हैं उनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और ये देखिए कि वोटर सेल्फी पॉइंट भी जो है बनाया गया है, वोट हमारा अनमोल कभी ना लेंगे, इसका मोल सेल्फी पॉइंट जो है वोटर के लिए बनाया गया है। कई तरह की जो है व्यवस्थाएं यहाँ पर, क्या सेल्फी ले रहे हैं? और देखिए कई सारे महिलाएं जो है अभी भी लाइन में। क्या थक गए आप लोग लाइन में? पूरा थक गए, बहुत थक गए, आप भी थक गए पूरा। पानी उनी बिल्कुल बिल्कुल लेके आएंगे? कहाँ से आए? सब लेके आए यही से, घर से। पहली बार आया? हाँ, पहली बार। हिरना? हिरना, हिरना से। क्या कुछ मुद्दा क्यों लिया है आप लोग बोल देने के लिए? कहाँ से आया दादी? हिरना से। हिरना से? हाँ, हिरना से। क्या आया? हिरना से। हिरना से हर बार आप? हाँ, हर साल जब पड़ता तब आते। चलिए तो देखिये यहाँ कई सारे जो है लोग अपने अपने मतदान कि जो है बारी का इंतजार कर रहे हैं, और लोग उत्साहित होकर जो है मतदान कर रहे हैं। 5 बूथ जैसा कि हमने बताया यहाँ पर बनाया गया है, काफ़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं बेहतर है, किसी को कोई तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए पंडाल का निर्माण करा दिया। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा है जरूर है, लेकिन आज 7वें और अंतिम चरण में लोगों में मतदान भी बढ़ चढ़ कर की जा रही है। देखने वाली बात होगी मतदान प्रतिशत जो बढ़ने की बात कही जा रही थी, कितना जो है बढ़कर सामने आता है। और शाम 5 बजे तक का जो वक्त है, 7 बजे से 5 बजे तक का जो मतदान करने का वक्त है, कितनी प्रतिशत जो है मतदान होती है, कहीं ना कहीं 60% से ऊपर अगर मतदान होती है तो आप कह सकते हैं कि अच्छा मतदान यहाँ पर देवघर गुड्डा जो लोकसभा है, दुमका लोकसभा और राजमहल 3 लोकसभा में जो है मतदान आज चल रहा है। 4 तारीख को काउंटिंग है, नतीजे का इंतजार रहेगा। क्या कुछ जो है कहेंगे यह देखने वाली बात होगी। कुछ ने कहा परिवर्तन चाहिए, कुछ ने कहा बेरोजगारी, कुछ ने कहा महंगाई, यह मुद्दे हैं। लेकिन क्या कुछ मुद्दे सामने निकल कर सामने आते हैं? क्या परिवर्तन क्या चाहती है यहाँ की जनता? क्या विकास के मुद्दे पर वोट कर रही है जनता? यह भी आपने देखा। जेकेएन न्यूज़ के लिए देवघर से मैं कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।